हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, वीक 32 की फुल टीआरपी फाइनली आ चुकी है। एक दिन ये डिले इसलिए हो गई थी बिकॉज इंडिपेंडेंस डे की हॉलीडे के कारण बीआरसी ने इसे लेट रिलीज़ किया है। एनीवेज, ये वीक की टीआरपी के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड थे। तो अब देखते हैं सारे शोज़ की टीआरपी। देखने से पहले हमारे जो टॉप जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनकी कैसी रैंकिंग आई है इस बार, क्या पोजीशन है व्यूअरशिप वाइज। नंबर 10 पे स्टार उत्सव है, उसके ऊपर नंबर 9 पे सोनी पल है, नंबर 8 पे है एंड टीवी, उसके ऊपर नंबर 7 पे है स्टार भारत। स्टार भारत के ऊपर नंबर 6 पे है दंगल टीवी, नंबर 5 पे है सोनी टीवी, उसके ऊपर नंबर 4 पे है जी टीवी। इस बार नंबर 3 पे कलर्स है, कलर्स की पोजीशन डाउन गई है, नंबर 2 से नंबर 3 पे आ गया है। और नंबर 2 पर है सब टीवी इस बार, जो कि कलर्स को पीछे कर नंबर 2 स्पॉट पे आ गया है। और नंबर 1 पे है स्टार प्लस हर हफ्ते की तरह। बढ़ते हैं इंडिविजुअल शोज़ की तरफ। सबसे पहले एन टीवी के शोज़ पे नज़र डालें तो बाल शिव की टीआरपी इस बार 0.2 आई है, एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 0.3, हप्पू की उल्टन पलटन की भी 0.3 है, भाभी जी घर पर हैं 0.4, मौका है वारदात 0.1 और लाल इश्क 0.2। यानी कि जो हाईएस्ट परफॉर्मर है चैनल का वो करेंटली भाभी जी घर पर हैं 0.4 की टीआरपी के साथ। अगले चैनल की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारे पास स्टार भारत। तो चन्ना मेरिया की टीआरपी 0.1 आई है, नया शो गुड़ से मीठा इश्क की भी 0.1 है, राधा कृष्ण की भी 0.1 है। राधा कृष्ण की टीआरपी में तो हमें बहुत ही डाउनफॉल देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों से। अजूनी की टीआरपी 0.2 है, ना उम्र की सीमा हो और वो तो है अलबेला, इन दोनों की भी 0.2 है। 0.2 वाले शोज ही हाईएस्ट परफॉर्मर्स हैं करेंटली इस चैनल पे, बहुत प्यार करते हैं और सावधान इंडिया इन दोनों शोज़ की भी 0.1 है। तो तीन शोज़ को छोड़ के बाकी सबकी 0.1 है स्टार भारत पे। एक भी शो ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकें कि डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, सब शोज़ की टीआरपी लो है। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि हमारे पास सोनी टीवी। तो मेरे साईं की इस बार 0.5 आई है, पुण्य श्लोक अहिल्या बाई की 0.6 है, बड़े अच्छे लगते हैं 2 की 0.5। कौन बनेगा करोड़पति के जो लॉन्च टीआरपी है फर्स्ट टीआरपी संडे वाली वो 1.4 है और ओवरऑल बाकी के हफ्ते की 1.1 है। तो कौन बनेगा करोड़पति ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, या आई नो टीआरपी अच्छी है लेकिन जितना मोस्टली इससे एक्सपेक्ट किया जाता है वो काफ़ी मैसिव टीआरपी एक्सपेक्ट करता होता है सोनी टीवी। पिछले सीज़न ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था और इस बार भी इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया जितना कि आगे पहले करता होता था। पहले तो केबीसी का इतना क्रेज़ था कि लॉन्च होते ही इंडिया का नंबर वन शो बन जाया करता था या फिर टॉप 5 में आ जाया करता था, लेकिन अब वो केस नहीं है। 1.1 की ओवरऑल टीआरपी लेकर आया है शो, लेकिन स्टिल सोनी टीवी पे अभी कपिल शर्मा, इंडियन आइडल वगैरह आने वाले हैं तो सोनी टीवी की अच्छे दिन आएंगे पहले से। ये शोमती मैया के नंदलाला की 0.5 है, ठीक परफॉर्म कर रहा है, अपना बन की 0.2 है, सुपरस्टार सिंगर की 1.5 है और उमंग 2022 की 1.0। तो जो अपनापन शो है टाइम स्लॉट चेंज के बाद उसकी टीआरपी काफ़ी डाउन चली गई है, वैसे पहले भी कुछ खास टीआरपी तो नहीं लेकर आ रहा था। बढ़ते हैं अब हम अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास जी टीवी। तो मिठाई की टीआरपी 0.4 है, स्लाइड सा इंक्रीज है, मीत की 1.1 आई है, राधा मोहन की 1.5, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है राधा मोहन शो, ये वैसे कॉन्स्टेंट ही रहता होता है और इस बार तो हमें इंक्रीज भी देखने को मिला है इसकी टीआरपी में, 1.5 टीआरपी इसकी हो चुकी है। भाग्य लक्ष्मी की टीआरपी में भी इंक्रीज है इस बार, 2.0 फिर से टच कर चुका है 2 की लाइन को। कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य दोनों ही शोज़ की 1.8 टीआरपी है। काशीबाई बाजीराव बलार की 0.7, तेरे बिना जिया जाए ना 0.5 और डीआईडी सुपर मॉम्स की 1.0। हाईएस्ट परफॉर्मर करेंटली जी टीवी पे भाग्य लक्ष्मी है और उसके बाद भाग्य कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य और राधा मोहन। तो ये चार शोज हाईएस्ट परफॉर्मर्स हैं करेंटली जी टीवी पे। तो जी टीवी के ऑलमोस्ट सारे शोज ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बस तेरे बिना जिया जाए ना और मिठाई की टीआरपी लो है बाकी शोज़ से, वरना बाकी शोज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बढ़ते हैं अब हम अगले चैनल की तरफ जो कि है कलर्स चैनल। सिर्फ तुम की 0.4 है, ससुराल सिमर का सीज़न 2 0.7, उड़ारियाँ की 1.2 आई है, देखते हैं लीप के बाद कैसे बढ़ती हैं घटती है, परिणीति की 1.4 है, स्वर्ण घर 1.1, मुस्कुराने की वजह तुम हो और हर फूल मोहिनी दोनों कॉन्स्टेंट 1.0 की टीआरपी के साथ, स्पाई बहू की 0.8 आई है और नीमा डेंजोंपा की 0.7। तो गाइज, पिशाचिनी जो कि नया शो है लॉन्च हुआ नायरा बैनर्जी का, 0.9 की टीआरपी अपने ओपनिंग वीक में यानी कि पहले हफ्ते में लेकर आया है, जो कि ठीक है बिकॉज 10 PM की टाइम स्लॉट पे वैसे भी सारे शोज़ को एक काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है जो कि है अनुपमा। अनुपमा अरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टीआरपी लेकर आता है उस स्लॉट पे, तो मुश्किल है उस स्लॉट पे दूसरे चैनल्स के शोज़ को परफॉर्म करना अच्छा।
फना की 0.6 है, नागिन 6 की 1.9, ऑलमोस्ट 2.0 को टच करते करते रह गया और खतरों के खिलाड़ी की इस हफ्ते 2.0 टीआरपी आई है। तो गाइज मैंने आपको कहा था पिशाचिनी की टीआरपी गैस करने के लिए, तो आइए देख लेते हैं किस किसने सही से गैस करी। और गाइज जिनके कमेंट्स आज यानी कि फ्राइडे वाले दिन को आए हैं उनके कमेंट्स काउंट नहीं हुए हैं, और बाकी सारे रूल्स तो आपको पता ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जावेद खान, सामीउल बशर, खांत मेला जी, प्रियांशु यादव, सुनील बिश्त, रामजन हुसैन, विशाल वर्दे, दिव्या फटनानी, हर्ष ठाकुर, ओसवाल रॉय, विनायक हिवारकर, अनिकेत विश्वास, शिवा मेहरचंद, आयुष जॉर्ज, और ये गाइज एडिटेड वाले कमेंट्स काउंट नहीं होंगे, जैसा कि पहले ही आपको बताया था कमेंट एडिट नहीं करना होता, ये रूल होता है। बंगला बेकिंग हाउस, हुजैफा आलम, राजा खान, प्रसाद सावंत, फ्रूट मास्टर, और ये एक एडिटेड वाला कमेंट है जिसका हम नाम नहीं लेंगे, मिस मिश्रा और राम। तो गाइस जिन्होंने रूल फॉलो किए हैं उनका नाम आया है वीडियो में। बाकी अगर आपने कमेंट को एडिट किया या फिर फ्राइडे के दिन को कमेंट किया या फिर एक कमेंट में एक से ज़्यादा टीआरपी लिखी यानी कि जैसे कि 0.9 या फिर 1.0, तो ऐसे वाले कमेंट्स को लिया नहीं गया है। अगली बार से टीआरपी गैसिंग वाले वीडियोज़ में ये रूल्स को ध्यान से रखना। तो अब हम टीआरपी को कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि सोनी सब है। तो धर्म योद्धा गरुड़ की 0.5 टीआरपी आई है इस बार, जो कि ठीक है इसके टाइम स्लॉट को देखते हुए। शुभ लाभ की 0.6 है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 1.7 आई है। देखते हैं दया का ट्रैक जब तक आता है क्या 2.0 तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं। वागले की दुनिया और पुष्पा इम्पॉसिबल सेम प्रोडक्शन हाउस के दोनों शोज़ हैं, बिल्कुल सेम टीआरपी लेकर आए हैं, 0.9 की लाए हैं। दोनों शोज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सब टीवी के लिए। मैडम सर की 0.5 टीआरपी आई है। शुभ लाभ की टीआरपी में हमें इंक्रीज देखने को मिला है लेकिन शो तो ऑफ एयर जा ही रहा है। अली बाबा 8 बजे पर कैसा परफॉर्म करता है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले हफ्तों में। बढ़ते हैं अब हम अगले चैनल की तरफ जो कि है स्टार प्लस। तो गाइस रणदीप और एमिली की 0.6 टीआरपी आई है इस बार, कभी कभी इत्तेफाक से की 1.0, पंड्या स्टोर की 1.4 है, गुम है किसी के प्यार में सही परफॉर्म कर रहा है काफ़ी 2.4 की टीआरपी लाया है, और लीप के बाद देखते हैं इसके टीआरपी में क्या बदलाव देखने को मिलता है। इमली की 2.0 है, बन्नी चाओ होम डिलीवरी और ये रिश्ता क्या कहलाता है इन शोज़ की भी 2.0 है। अनुपमा की टीआरपी 3.0 आई है इस बार, स्लाइड सा डिक्रीज लेकिन इतना तो चलता रहता है। ये है चाहते कि 2.2 है, और रविवार विद स्टार परिवार भी एकदम से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लग गया है पहले जैसे 2.2 की टीआरपी लेकर आया है, और ये है चाहते तो लेट टाइम स्लॉट पे काफ़ी सही परफॉर्म करता ही है। 2.2 की टीआरपी 10:30 पे लाना काफ़ी बड़ी बात है। तो ये थे सारे शोज़ की टीआरपी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राय बताइए आपका फेवरेट शो और चैनल कौन सा है, और ऐसी ही फुल टीआरपी हर हफ्ते पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई टीआरपी अपडेट मिस ना करें, आपको पता चलता रहे आपका फेवरेट शो या फिर आपका फेवरेट चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, ऐसे सारे अपडेट्स के साथ आप बने रहें। बाकी और टीआरपी डिटेल्स जैसे कि टॉप 20 हाईएस्ट टीआरपी शोज़, मोस्ट वॉच शोज़, स्लॉट लीडर वगैरह, ये वाले वीडियोज़ भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।